तेबे जदि आपणक भाग्य रे राजा हवा लेखा थिबो ताहाले आपण जंगल ले थिले भी आपणक मुंड रे हाथी सुना कळसी ढालिबो आ आपण राजा हेबे। आपण मौर्य सम्राट अशोकक कथा देखि नियंतु। वनवासी रु से मगधर सम्राट होइतिले आ परवर्ती समय रे अखंड भारतर स्वप्न देखिथिले। चाणक्य मध्य चंद्रगुप्त मौर्य को ठीक सही परियाणी मगधर राजा करैथिले। आज आम कथा हवा ठीक से ही जड़े व्यक्ति विशेष विषय जहाँ चर्चा भारतवर्षर राजनीति में वर्तमान जोर धरती। भरतपुर अटारी गाँव में जन्म, पिता ना किशन स्वरूप शर्मा। दशम श्रेणी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी सहित जोड़ी हूँ। परवर्ती समय 1990 एबीवीपी काश्मीर पदयात्रा से सामिल हूँ, सक्रिय सदस्य मध्य रुंती। 1992 मसीह श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन समय से सामिल हूँ और जेल मध्य जाती। परवर्ती समय भारतीय जनता युवा मोर्चार दायित्व संभालती। 27 वर्ष से सरपंच हूँ, थरे नुह दुई दुई थर सरपंच प्रार्थी भाव से विजयलाभ करती। आज राजस्थान मुख्यमंत्री साजी समग्र भारत वर्षरे से चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिंट से आउ कहीं नुहंती राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूर्व निर्वाचन रे भजनलाल शर्मा निजे टिकेट मागिथिले किंतु तांकु टिकेट मिली नथिला। 2023 रे से टिकेट नवापाई इच्छा प्रकाश करी नथिले। दल तरफ रु तांकु निर्वाचन लड़ीबापाई बाध्य करा जायथिला। सांगानेर विधानसभा रु निर्वाचन लड़िले प्रथम थर कांग्रेस नेता पुष्पेंदर भरद्वाज को 48,081 खंड भोट्रे से पराजित कले। शेषे राजस्थान मुख्यमंत्री हेले। वसुंधरा राजे, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, गजेन्द्र सिंह शेखावत पर अनेक चेहरा थिले किंतु दिल्ली पसंद रे थिले। दीर्घ दिन प्रदेश महामंत्री और छात्र नेतारु राजस्थान बीजेपी संगठन को आगकु नहीं बीजेपी को राजस्थान रे मजबूत करिवार दायित्व जे दीर्घ 34 वर्ष हम नहीं अभिज्ञतापूर्ण भजनलाल शर्मा जी। आम जदि देखा दायित्व कौन कौन रही प्रथमे से भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष थिले। तापरे जिला महामंत्री विजय वाईएम, जिला उपाध्यक्ष विजय वाईएम, जिला अध्यक्ष विजय वाईएम तीन थर रही, भरतपुर जिला महामंत्री रही, भरतपुर जिला महामंत्री दुई थर रही, से भरतपुर जिलार मंत्री थिले से आग। तापरे भरतपुर जिला महामंत्री रहिले भाजपार, भरतपुर जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान प्रदेश, परवर्ती समय रे राजस्थान प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी थिले। वर्तमान पर्यंत से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री दायित्व में पाखापाखि 10 वर्ष कार्य करें। राजस्थान रु आम सहित भारतीय जनता पार्टी आउ विजय वाईएम दुई जन कार्यकर्ता जोड़ी होती सहित कथा आउ जानिबा भजनलाल शर्मा राजस्थान मुख्यमंत्री हवा पर राजस्थान में कौन माहौल रही आउ समग्र देश उपर यार कौन प्रभाव पड़ी राजस्थान भोटर राजस्थान लोक राजस्थान बीजेपी कार्यकर्ता उपर यार कि प्रभाव पड़ी। तेबे आम सहित वर्तमान राजस्थान रु जोड़ी होती देवकिशन जी। देवकिशन जी विजे वाईएम राष्ट्रीय कार्य समितिर सदस्य अच्छा। आम देवकिशन जी सहित कथा आउ जानिबा वर्तमान राजस्थान रे केमती माहौल रही। नमस्कार। नमस्ते देवकिशन जी, आपसे जुड़ के हमें अच्छा लग रहा है। अब बताइए राजस्थान में क्या माहौल चल रहा है? राजस्थान अब भगवा में हो चुका है और राजस्थान में एक सुशासन की सरकार का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो संकल्प हम साकार करने जा रहे हैं और हम गरीब कल्याण के लिए सुशासन के लिए इस सरकार का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए जो अभी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, अगर उनकी जीवन को हम देखते हैं तो वो एबीवीपी से विजय वाईएम, फिर सरपंच रहे, सरपंच बनने के बाद उनकी राजनीतिक सफ़र शुरू होता है, अब आके वो मुख्यमंत्री बने। एक साधारण कार्यकर्ता के हिसाब से आप इसको किस तरह देखते हैं और ये क्या मैसेज स्प्रेड करता है पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में भी? ये कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और उमंग का मैसेज देता है। हर कार्यकर्ता के मन में ये हमेशा भाव रहता है कि वो काम करता है, उसकी चिंता सदैव संगठन करता है, इस भाव को ये जागृत करने वाला निर्णय है और ये निर्णय वास्तव में जमीनी स्तर के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है। ये माने नरेंद्र मोदी जी के ही समय काल में इस प्रकार के निर्णय, सशक्त निर्णय, मजबूती के साथ निर्णय लेने की ये क्षमताएं जो लगातार पूरे भारतवर्ष में अग्रसर हुई है, इसके लिए मैं माने नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कार्यकर्ताओं के भाव के अकॉर्डिंग, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं बड़े ही उत्साहवर्धक हैं।
तो आपका उनके साथ कई बार तो भेंट हुआ होगा, जैसे पार्टी के कार्यक्रम में या कहीं और, इलेक्शन अभी चुनाव गया हुआ है, चुनावी सफर में भी कई बार आपका मुलाकात हुआ होगा, ऐसा कुछ मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में? जी, ऐसे तो हमारे संगठन में काम करते हुए उनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहा है और उन्होंने सदैव ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। इसी प्रकार से मेरे को याद आ रहा है कि हमारा एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था युवा मोर्चा का 2022 में, तो उसी दौरान हमें उनका मार्गदर्शन मिला जिसमें हमने संगठन के जिस त्याग और तपस्या के बारे में हमने उनका जो मार्गदर्शन सुना वो वास्तव में हमें प्रेरणा देने वाला था। उसी प्रशिक्षण वर्ग में मुझे उस सत्र का अध्यक्षता करने का अवसर मिला और उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में जो उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी वो बड़े ही उत्साह और उमंग को भर देने वाली थी। ऐसे हमारे कार्यकर्ता के वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार के त्याग और बलिदान के साथ इस पार्टी को सींचा है उसके बारे में उन्होंने जो हमें वक्तव्य दिया वो वास्तव में सराहनीय था, बहुत ही उत्साहवर्धक था। हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और आगे भी भविष्य में हम युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार अग्रसर रहेंगे। 2024 में लोकसभा का निर्वाचन आने वाला है, अब क्या देख रहे हैं? अब जो भारत का हाल है, राजनीतिक वातावरण जो परिवर्तन हुआ है, और राजस्थान में भी चुनाव होगा फिर से दोबारा, शायद लोकसभा का इलेक्शन तो होगा ही, अब उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुना था और अब जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसके भीतर में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव माने नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और ये गरीब कल्याण की, सुशासन की ये लगातार जो जीत हो रही है ये केवल केवल और उनकी डिलीवरी जो उन्होंने गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है वो उसी की जीत है मित्रों। और इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भ्रांति फैलाता है तो वो गलत है। मोदी जी ने लास्ट मैन डिलीवरी करके उन्होंने हर गरीब को गणेश मानकर जो सेवा किया है ये उसी का ही प्रतिफल है। कोविड काल में जिस प्रकार से वो ग्राउंड पर नीचे तक सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का जो उन्होंने काम किया वो बड़ा ही क्रांतिकारी काम था मित्रों। तो आज वहां कहीं देश भर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जनता के साथ जुड़ाव रखते हुए उनके मुद्दों को सुलझाने का प्रयत्न करती हो, उनके साहस के साथ उनके साथ खड़ा रहने का प्रयत्न करती हो। ऐसी आज पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो देश भर में गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, सेवा के लिए काम करती है और केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही क्रांतिकारी नेतृत्व है जो हमें सबको, भारतवर्ष को जोड़ने का काम कर रहा है। धन्यवाद देवकिशन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपसे बात करके हमको बहुत कुछ जानने को मिला, अभी राजस्थान के जो हालात है और जो भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के बारे में हमको पता चला, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तेबे आम सहित राजस्थान रु मोहनलाल जी रही, मोहनलाल जी एबीवीपी जोधपुर प्रांतर प्रांत मंत्री रही थे, वर्तमान बीजेएम कार्यरत अच्छा राजस्थान रे। मोहनलाल जी नमस्ते, आपको स्वागत है अर्गस डिजिटल पे। तो कैसा लग रहा है अभी आपको राजस्थान में, क्या माहौल है? राजस्थान का माहौल अलग ही है, जैसे ही राजस्थान का मुख्यमंत्री एक साधारण परिवार से जन्मे हुए भजनलाल जी शर्मा को त्याग किया हुआ है तो राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक विश्वास जगा है कि कोई भी कार्यकर्ता काम करते करते कब कहां तक पहुंच जाए आज उसकी कोई गारंटी नहीं है। साधारण व्यक्ति आज असाधारण बन गया है, सभी अपने आप सामान्य कार्यकर्ता खुशी महसूस कर रहा है। एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मतलब वो जब प्रदेश के महामंत्री रहे तो आपका भी मुलाकात कभी कभी हुआ होगा ना उनके साथ? जरूर, एक बार हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर उनसे मुलाकात हुई। साधारण सहज एवं अपने काम से काम मतलब रखने वाले, संगठन के काम में एक सामान्य कार्यकर्ता, 1984 में 10वीं में पढ़ते हुए विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की, 84 से लेकर 90 तक विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर 91 में भाजयुमो की पदाधिकारी बने, 3 बार युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, फिर भाजपा महामंत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष, 2016 से लगातार प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। हमेशा संगठननिष्ठ रहने वाला कार्यकर्ता, जब मुलाकात में भी सहज सामान्य सबसे मिलना आत्मीयता रखने वाला व्यक्ति था, सबको साथ में लेकर चलने वाला, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाला, ऐसा हसमुख एवं मिलनसार व्यक्ति तो जब मिले तो ये नहीं लगता था कि ये व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा सरल स्वभाव के धनी भजनलाल जी शर्मा है। आपको लगता है इसका प्रभाव जो है आस पड़ोस की स्टेट में भी पड़ने वाला है, जैसे पंजाब हो गया?
इसका प्रभाव आसपास के सभी प्रदेशों में पड़ने पंजाब में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। आने वाले और जो विधानसभा के चुनाव इस वर्ष होने वाले वहाँ भी सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए मोहनलाल जी, आपसे बात करके हमको बहुत खुशी हुई, और आपसे अभी राजस्थान का जो हालात है और कैसे भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी जीत को मना रही है वहाँ, और एक नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है, ये सब के बारे में आपके साथ बातचीत करके हमको बहुत कुछ पता चला। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, ऑर्गस डिजिटल के साथ आप जुड़े, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से। तेबे राजस्थान ने मुख्यमंत्री को ना घोषणा पूर्वर जो बीजेपी रो विधायक दल बैठक बसला जो फोटो आसला से भजनलाल शर्मा शेष धाड़ी में बसते जितेबले कि दिया कुमारी द्वितीय धाड़ी में बसते वसुंधरा राजे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाखे चेयर में बसी गोटे स्ट्रंग मेसेज थी। किंतु सबुठ जहाँ पूरा भारतवर्ष को चकित कला सी हूँ भजनलाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान रे मुख्यमंत्री करिबा। तबे आमे जदि देखिबा मध्यप्रदेश रे जणे ओबीसी रो नेता, छत्तीसगढ़ रे जणे आदिवासी नेता, राजस्थान रे जणे साधारण वर्गर नेता को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भाबे बाछिला। सोशल इंजीनियरिंग रो भलो मैनेजमेंट बोली पूरा देश सारा चर्चा हेउछि। या समग्र भारतवर्ष पई एक स्ट्रांग मेसेज बीजेपी द्वारा जे भारतीय जनता पार्टी किछि भी निर्णय नै पारे जहाँ केबे साधारण वर्ग किंबा साधारण रे चर्चा हुई नथिबो, जहाँ मीडिया रे चर्चा हुई नथिबो, सेभली किछि डिसीजन नवार क्षमता भारतीय जनता पार्टी पाखरे वर्तमान रहिछि। जदि आपनकु हमो वीडियो टी भलो लागिला तेबे हमो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करबाकु जमा भी भूलंतु नै।